फटाफट खबरें स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा, फटाफट नजर डालते हैं देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबेर गिरफ्तार, एक दिन की पुलिस रिमांड पर। धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में की गई है गिरफ्तारी। बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा और कई संतों को लेकर भी की थी विवादित टिप्पणी, दिल पुलिस ने किया गिरफ्तार। रायपुर एक्सिस बैंक घोटाले में बड़ा खुलासा, फर्जीवाड़े के 1 करोड़ से ज्यादा की रकम एनजीओ के खाते में ट्रांसफर, 4 और आरोपी हिरासत में। मुंबई, दिल्ली, गुजरात और बेंगलुरु में की गई छापेमार कार्रवाई, मास्टरमाइंड माने जा रहे सतीश वर्मा के सहयोगी बताए जाते हैं आरोपी। आजमगढ़ में जीत के बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले निरहुआ, मुलाकात के बाद ट्वीट करके दी जानकारी, योगी से मिलकर जताया आभार। आजमगढ़ लोकसभा की सीट करहल से बीजेपी, सपा और बसपा के त्रिकोणी मुकाबले में निरहुआ जीते। संगम नगरी प्रयागराज में 10 जून को जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल के 5 आरोपियों के न्यायाधीश मृत्युल कुमार मिश्र ने जमानत याचिका की खारिज। मामले में अब तक 105 आरोपी भेजे जा चुके हैं जेल। और झारखंड खनन मामले में चुनाव आयोग के सामने आज पेश होंगे सीएम हेमंत सोरेन, खनन पट्टा आवंटन से जुड़ा है मामला। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पर विवादित ट्वीट करना रामगोपाल वर्मा को पड़ा महंगा, दर्ज किया गया मुकदमा। 22 जून को राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित होने के बाद रामगोपाल वर्मा ने की थी विवादित टिप्पणी, बीजेपी सहित कई पार्टियों ने जताई थी आपत्ति। हालांकि ट्वीट के बाद रामगोपाल वर्मा ने मांगी थी माफी। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस को वोट ना करने की अपील, कहा कांग्रेस ने अपनी जड़े ताकत खो दी है। मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में पहली बार नगरपालिका चुनाव लड़ रही है AIMIM। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के निजी सचिव पीपी माधवन पर नौकरी शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप, दलित महिला ने उत्तम नगर थाने में दर्ज कराई FIR। सचिव खुद को बताता था तलाकशुदा, शादी का दबाव बनाती ही दी धमकी। वहीं माधवन ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बताया बेबुनियाद, कहा राजनीतिक प्रतिशोध के कारण छवि धूमिल करने के लिए लगाए जा रहे हैं आरोप। इंदौर में फ्रेंचाइजी के नाम पर ठगी करने वाले 3 गिरफ्तार, क्राइम ब्रांच ने आयुर्वेदिक दवा कंपनी की फ्रेंचाइजी के नाम से करोड़ों की ठगी करने वाले आरोपियों को किया गिरफ्तार। और नहीं रहे भारत के दिग्गज उद्योगपतियों में गिने जाने वाले पालोन जी मिस्त्री, 93 की उम्र में ली आखिरी सांस। टाटा ग्रुप से रहा है खास नाता, G7 शिखर सम्मेलन में जर्मनी में हिस्सा लेने गए प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। झारखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और गढ़वा के भवनाथपुर के भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही ने अमित शाह, हेमंत सोरेन की मुलाकात पर ली चुटकी, लिखा बकस दा चाचा गलती हो गई। राजनीतिक गलियारे में ट्वीट की हो रही है खासी चर्चा, चुनाव आयोग की नोटिस, ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग, भ्रष्टाचार की जांच और झारखंड हाईकोर्ट के CBI जांच के मुकदमे से चौतरफा संकट में घिरे हेमंत सोरेन, अमित शाह से मिलकर रियायत का कर रहे हैं आग्रह। प्रधानमंत्री किसान योजना में बड़ा बदलाव, नए नियमों के अनुसार अब रजिस्ट्रेशन के दौरान राशन कार्ड से भी जुड़ी जानकारी देना जरूरी। होने वाले फर्जीवाड़े को रोकने के लिए किए गए हैं बदलाव, परिवार का एक ही सदस्य ले सकता है इस योजना का लाभ। आजमगढ़ और रामपुर में चुनाव में सपा को मिली करारी हार को लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा, जनाधार का सम्मान करने की दी नसीहत, कहा हार के बावजूद नहीं टूटा गुरूर। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ जयंत चौधरी ने खोला मोर्चा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में महापंचायत आज 16 जुलाई तक 11 शहरों में युवा पंचायत करेंगे। शामली के कबड़ौत गांव में होगी युवा पंचायत, रालोद के कार्यकर्ता और अन्य पहले से ही कर रहे हैं योजना का विरोध। और GST के दायरे में लाई जा सकती है पेट्रोल और शराब, 28 और 29 जून को GST काउंसिलिंग बैठक, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में। बैठक में हो सकते हैं कई बड़े ऐलान, व्यापारियों को राहत मिलने और उन्हें फायदा होने की जा रही है उम्मीद। पश्चिम बंगाल में शारदा चिट फंड मामले में सुबेर दो अधिकारी की गिरफ्तारी की मांग, TMC नेताओं ने राज्यपाल धनखड़ से की मुलाकात, 2 घंटे से अधिक समय तक की गई चर्चा। मध्य प्रदेश होमगार्ड जवानों के लिए खुशखबरी, 3 साल में एक ही बार होगा कॉल ऑफ, नरोत्तम मिश्रा ने मंत्रालय में मानसून दृष्टिगत आपदा प्रबंधन विभाग की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कही बड़ी बात, होमगार्ड कैडर को डाइंग कैडर नहीं माना जाएगा, 3 साल में एक ही बार होगा कॉल ऑफ, कैबिनेट में अनुमोदन के लिए जल्द रखा जाएगा प्रस्ताव। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी एयरपोर्ट और सीमाओं पर किया गया कोरोना वायरस टेस्ट अनिवार्य, बढ़ते संक्रमण के चलते राज्य सरकार ने जारी किया आदेश, रोजाना संक्रमण का आंकड़ा पहुंच रहा है 100 के करीब। राज्य में 2.17% संक्रमण की पॉजिटिविटी दर, स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव, होम आइसोलेशन में हालत स्थिर। राजधानी दिल्ली में 100 करोड़ की ठगी कर चुका था 70 साल का प्रदीप पॉलीवाल, साथी समेत EOW ने किया गिरफ्तार, काफी समय से था एजेंसियों के रडार पर, जारी किया गया था लुकआउट सर्कुलर। और मौसम विभाग के मुताबिक आज होगी इंदौर, उज्जैन और बैतूल छिंदवाड़ा में तेज बारिश, मौसम विभाग का अलर्ट, 29 और 1 जुलाई को मौसम वैज्ञानिकों ने प्रदेश के भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, सागर और रीवा संभाग में भी बारिश का जारी किया अलर्ट, 5 जुलाई तक प्रदेश में चलेगी झमाझम बारिश।
बीसीसीआई ने 2023 वर्ल्ड कप के लिए सरकार से मांगी टैक्स में छूट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर अगले साल में होने वाले वनडे विश्व कप को लेकर सरकार से टैक्स में छूट देने की गई मांग। वित्त मंत्री ने बीसीसीआई पदाधिकारियों को विचार करने का दिया है आश्वासन। मध्य प्रदेश में IMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री से बीजेपी और कांग्रेस में खलबली। नरोत्तम मिश्रा बोले, प्रदेश में स्वागत है मगर विभाजनकारी बातें ना करें। वहीं कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने कहा, ओवैसी भाजपा की बी टीम का हिस्सा, शरीर ओवैसी का मगर आत्मा नड्डा की। मध्य प्रदेश में यात्रियों के लिए बड़ी खबर, भोपाल रेल मंडल से चलने वाली 22 ट्रेनों में शुरू होगी जनरल टिकट पर यात्रा। इसके अलावा 48 घंटे पहले यात्री बदल सकते हैं अपनी यात्रा की तारीख। कोरोना काल के बाद धीरे धीरे शुरू की जा रही है सेवाएं। शिवराज कैबिनेट का फैसला, आरोन गोलीकांड में शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को मिलेगी 11 करोड़ की अनुग्रह सहायता। उज्जैन और बुंदरी में चिकित्सा महाविद्यालय की भी की गई स्वीकृति। महाराष्ट्र में अस्पताल से आते ही एक्शन में राज्यपाल कोश्यारी, उद्धव सरकार से मांगा 3 दिन की फाइलों का हिसाब किताब। महाराष्ट्र सरकार के आदेशों को पलट सकते हैं राज्यपाल, COVID-19 संक्रमण के कारण कोश्यारी को किया गया था हॉस्पिटलाइज। और आगरा में 3 बेटियों के बाद बेटे की चाहत में एक साथ पैदा हुए 4 बच्चे, ऑटो ड्राइवर बना 7 बच्चों का पिता, जच्चा बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित, पालन पोषण को लेकर चिंतित है पिता, डॉक्टरों ने दिया सहयोग का आश्वासन। मध्य प्रदेश में दूल्हे को महंगा पड़ा बुलडोजर पर बारात निकाला, पुलिस ने ठोका जुर्माना। पुलिस के मुताबिक बुलडोजर के चालक ने पंजीकरण नियमों के किए थे उल्लंघन। JCB वाणिज्यिक उपयोग के लिए सार्वजनिक परिवहन में इस्तेमाल की इजाजत नहीं। जबलपुर में ऑल्ट न्यूज के संस्थापक जुबेर की गिरफ्तारी में भड़के ओवैसी, बोले कुछ हुआ तो जिम्मेदार होंगे प्रधानमंत्री मोदी। जबलपुर नगरी निकाय चुनाव के लिए पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा को संबोधित करने आए थे ओवैसी, कहा झूठा केस लगाकर किया गया है गिरफ्तार। उत्तराखंड में कांवड़ियों की सुरक्षा में लगेंगे 10,000 सुरक्षा कर्मी, ड्रोन और CCTV कैमरों से होगी निगरानी। उत्तराखंड DGP अशोक कुमार ने सोमवार को दी जानकारी, 2 साल बाद हो रही है कांवड़ यात्रा। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक में 15 में से 14 प्रस्तावों को हरी झंडी, प्रदेश में बनेंगे 4 डेटा सेंटर। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार।